क्या आपको पता है शादियों के टाइम में हम पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी एक चिट्ठा खोलते हैं और वो कहते हैं आपका नक्षत्र इस दिशा में है, ये नक्षत्र इस दिशा में है, और फिर वो एक मुहूर्त निकालते हैं और हम कहते हैं कि इस दिन शादी करवा लो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा ये क्यों जरूरी होता है कि मुहूर्त देख के शादी का डिसाइड करना? तो मैं आपको बता देता हूं, जो मुहूर्त होते हैं वो एक तरह से टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आज मैं आपको बोलूं कि अभी टाइम क्या चल रहा है, तो आप बताओगे कि इंडिया का टाइम इतने बजे हैं, तो हो सकता है अमेरिका का टाइम कुछ और बजाओ। लेकिन अगर हम मैं आपको एकदम सही टाइम बताऊं कि एग्जैक्टली कैसे टाइम हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं द पोजिशन ऑफ प्लैनेट, कि कौन से प्लैनेट कहां पे हैं। वो हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे प्लैनेट्स की पोजीशंस सेम रहेंगी, और अमेरिका में जाके भी देखोगे तो वही प्लैनेट उस टाइम पे वो उसी लोकेशंस पे होंगे। तो हम अगर कैलकुलेट करना है सही यूनिवर्सल टाइम, तो प्लैनेट्स की वजह से होता है, और प्लैनेट्स के सही एक पोजीशन के टाइम को हम मुहूर्त बोलते हैं। तो इसलिए मुहूर्त जरूरी होते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा गुड साइन होता है कि जिसमें आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहे।